पुलिस ने उनको डिस्पर्स किया तो उनमें से कईयों ने जाकर के जामिया कैंपस के अंदर भी शरण लिया। इसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ये भी कहना मुश्किल है जब तक इनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन ना हो। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर का अभी तक हमने कोई फुटेज ऐसा नहीं देखा है इसमें जो टीवी पे, कि जिसमें लाइब्रेरी के अंदर जो है बच्चे पुलिस वालों पर पत्थर मार रहे हों। तो अगर कोई दोषी था भी बाहर जो रोड पे मार भी रहे थे, अगर कुछ लोग पत्थर है, वो कौन थे, वो बाहरी तत्व हैं, वो कौन लोग हैं, ये पुलिस आइडेंटिफाई करे। जो लोग एक्चुअली शामिल थे हिंसा में उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी इसको हम करेंगे, और जो भी सर्कमस्टांसेस बने पुलिस के एंटर करने के कैंपस में उसकी भी पूरी जाँच एसआईटी करेगी। लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को मारना, छात्राओं को पीटना, ये कौन सा कानून है या कैसे आप ये सब कुछ करके अपना एक अच्छा चेहरा बना सकते हैं? So these videos will certainly help the Delhi police in identifying the culprits. FIR पुलिस के खिलाफ दर्ज करने के लिए दरखास्त दी गई थी, उसमें तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा होता है कि केस दर्ज करके वो भी SIT की तरफ भेजा जाता। जो भी एजेंसीज हैं वो उसमें तफ्तीश करेंगी और जांच करेंगी और कौन रिस्पॉन्सिबल है उस पर कार्रवाई करेंगी। हल्ला बोल में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि जामिया हिंसा को लेकर वीडियो का सिक्सर एक तरफ लग चुका है। दो वीडियो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी किए गए, जवाब में दिल्ली पुलिस ने चार वीडियो जारी किए, और अब ये खबर है कि वीडियो का ये सिक्सर और इन सब के बीच पत्थर, जामिया हिंसा को लेकर वीडियो वॉर जो चल रहा है उसमें अपना अपना वीडियो, अपने अपने सबूत तमाम पार्टियां रख रही हैं। लाइब्रेरी में पुलिस ने आखिर क्यों तोड़े CCTV, इन सब को लेकर पड़ताल हो रही है और SIT की टीम SIT वहां पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम जामिया यूनिवर्सिटी पहुंची है। और SIT जब वहां पहुंची है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो अपनी तरह से जांच पड़ताल को आगे ले जा रही है। ये छानबीन करने की कोशिश होगी कि आखिर किन तरह से ये वीडियोस लीक किए गए, क्योंकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि उन्होंने वीडियो सिर्फ HRD को और कुछ लोगों को दिया था, लेकिन आखिर ये वीडियो कैसे लीक हुए, कैसे पहुंचे, कैसे जानकारी हासिल की जाए, इन सब के बीच क्या कुछ उस रात का सच है, ये सब जानने की कोशिश होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, जामिया के भी एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनसे जरा पूछेंगे कि आखिर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी चलाती है उसका सच क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे जब SIT वहां पहुंची। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की SIT की टीम जामिया पहुंची हुई, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो SIT के हेड है राजेश देव, खुद वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्राइम ब्रांच के SCP वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये सीधे जो प्रॉक्टर ऑफिस है उसके अंदर क्राइम ब्रांच की SIT की टीम, जो SCP की टीम है, वो अंदर पहुंची हुई है। यही वो टीम है जो बाकायदा जामिया हिंसा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हिंसा के मामले की जांच कर रही है। भारी भरकम टीम, ये जो तमाम अफसर हैं आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जामिया हिंसा की मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की SIT की टीम वो फिलहाल जामिया के प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर पहुंची हुई है। DCP राजेश देव वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर है, आपको बता दूं, एक के बाद एक लगातार CCTV की तस्वीरें आ रही है पुलिस की तरफ से भी और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। उसके बाद जो टीम है वो फिलहाल अंदर पहुंची हुई है, जो प्रॉक्टर है उनसे बात करेगी, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तमाम जगहों का जो SIT की टीम है वो दौरा करेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइम ब्रांच के SIT की टीम, भारी भरकम टीम DCP राजेश देव के निर्देश में वो यहाँ पर पहुंची हुई है जाँच के लिए। कैमरामैन DK शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये आपने हमारे सहयोगी अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखी, जिसमें वो बता रहे हैं जब टीम वहां पर SIT की पहुंची, इधर जामिया और पुलिस और छात्रों के बीच तनातनी के जो वीडियो सामने आए हैं उसको लेकर अपने दावे हैं सबके, किसी को नहीं पता सच्चाई क्या है, ये भी नहीं पता कि JCC की ओर से जो वीडियोस जारी किए गए हैं वो कहां से आए हैं। वीडियो में पुलिस CCTV तोड़ती दिखाई दे रही है, आखिर क्यों? वीडियो में जिनके हाथ में पत्थर दिख रहे हैं कौन है, वो छात्र हैं या फिर बाहरी हैं? हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, हमारे साथ मिरान हैदर साहब,
आप पीएचडी स्कॉलर भी हैं और ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी भी चलाते हैं, इनसे जरा पूछेंगे कि आखिर ये वीडियो इनके हाथ कैसे लगा जो इन्होंने ये सब ट्वीट किया था। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप जामिया हिंसा के 6 वीडियो को देखिए। पहला वीडियो, इसे जारी किया जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, मकसद था पुलिस की बर्बरता दिखाना। जवाब में पुलिस ने 2 वीडियो जारी किए, दूसरा और तीसरा। इन दोनों वीडियो को जारी किया दिल्ली पुलिस ने, मकसद था छात्रों के दावों को गलत साबित करना। बात इन तीनों वीडियो पर खत्म नहीं हुई। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फिर से पुलिस को झूठा साबित करने के लिए एक नया वीडियो जारी किया। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस ने 2 और वीडियो जारी करके पलटवार किया। जितने वीडियो उतने सवाल, जितने सवाल उतनी उलझती जामिया के लाइब्रेरी की हिंसा की थ्योरी। अपनी अपनी दलील है और अपने अपने दावे। हिंसा बाहर हुई जामिया के इलाके में, जिसमें की बसेस जली, पब्लिक प्रॉपर्टी जली। उस हिंसा में जो शामिल लोग थे उन्होंने भागते हुए, जब पुलिस ने डिस्पर्स किया तो पुलिस पे पत्थरबाजी करते हुए वो लोग जामिया कैंपस में एंटर कर गए। पुलिस उनको पकड़ने के दौरान जामिया कैंपस में पीछे भागती हुई गई। हम डोर को अगर बैरिकेड कर रहे हैं डर के, जो कि अपने स्टेटमेंट्स में NHRC में और MHRD में स्टूडेंट्स ने क्लियरली बोला है कि हम डर गए थे, हमने डोर बंद करने की कोशिश करी बिकॉज हमें लग रहा था कि पुलिस अंदर आएगी और हमें मारेगी। किसी भी सेन इंसान का यही रिएक्शन होगा कि वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करे। दिल्ली पुलिस के पास वीडियो तो समझ में आता है, लेकिन सवाल ये कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास वीडियो कहां से आए? क्या जामिया यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों को वीडियो मुहैया कराए जा रहे हैं? हमारी तरफ से कोई भी सीसी कैमरा वो फुटेज यानी उसमें आउट नहीं की गई। हमने किसी को भी यानी फुटेज नहीं दिया है, प्रोवाइड नहीं किया है। अब इन लोगों के पास कहां से आया है ये पुलिस और क्राइम ब्रांच जो है इंक्वायरी करें। इस बीच जामिया हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 100 से अधिक गवाहों के बयान शामिल है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शर्जील इमाम का भी नाम है, लेकिन जामिया के किसी भी छात्र को आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन दोनों ओर से जारी वीडियो वॉर पर सियासी जोर आजमाइश थम नहीं रही। लाइब्रेरी में घुस के छात्रों को मारना, छात्राओं को पीटना, ये कौन सा कानून है या कैसे आप ये सब कुछ करके अपना एक अच्छा चेहरा बना सकते हैं? जो भी एजेंसीज हैं वो उसमें तफ्तीश करेंगे और जांच करेंगे और कौन रिस्पॉन्सिबल है उसमें कार्रवाई करेंगे। किस वीडियो में कितनी सच्चाई है और वीडियो का पूरा किस्सा क्या है, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने SIT बना दी है। उम्मीद है जल्द ही सच सामने आ जाएगा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं। सुधांशु जी हमारे साथ सिंह साहब होंगे। पुलिस का क्या इसमें उसका रोल है? विक्रम सिंह साहब स्वागत है सर आपका। रिजवान कैजर साहब जो कि डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के, वो हमारे साथ हिस्ट्री एंड कल्चर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिरान हैदर से मैंने आपका परिचय करा ही दिया है, PhD स्कॉलर है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी ये हेड करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास मीरान आना चाहती हूँ। ये वीडियोज आपको कहाँ से मिले जो आप ट्विटर पर अपलोड कर रहे हैं? सबसे पहले जब हम लोगों पे अटैक हुआ था, पुलिस द्वारा अटैक हुआ था, उसके दूसरे दिन हम लोग गए थे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के पास और हमने डिमांड किया था कि स्ट्रॉन्ग FIR रजिस्टर किया जाए और एक जुडिशियल इंक्वायरी सबमिट सेटअप किया जाए कि ये हमले कैसे हुए, क्या कैसे स्पॉन्सर्ड हुआ, और जो भी वीडियो का फुटेज था, CCTV का फुटेज था, वो पब्लिक किया जाए ताकि दुनिया को पता चल सके कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट पे, लड़के लड़कियों पे कैसे हमला हुआ, कैसे लड़कियों का मोलेस्टेशन हुआ। प्रशासन ने ये कहते हुए हमारे डिमांड को खारिज कर दिया कि हम FIR करेंगे और जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी और CCTV फुटेज पहले आ जाएगा तो हमारा इंक्वायरी कमजोर हो जाएगा। इस चीज को लेकर हमें लगा कि चलो लॉजिकल शायद बात बोल रहे हैं, तो हम लोग खामोश हो गए, हमें भरोसा था। लेकिन 2 महीना गुजरते रहे, हमारी लड़ाई वाइस चांसलर ऑफिस का भी घेराव किया था हम लोगों ने, आपने देखा था उसको चलाया था। लेकिन 2 महीने के बाद एकाएक ये वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो एकाएक व्हाट्सएप ग्रुप में आने लगा। अपलोड करने के बाद वायरल हुआ? नहीं नहीं, ये वीडियो एकाएक, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो एकाएक व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होने लगा। एक 28 सेकंड का वीडियो था, एक 49 सेकंड का वीडियो था, मेरे पास भी आया, अलग अलग सबके पास लगभग आया। कहाँ से? देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया, ये सोर्स नहीं मालूम है। अगले दिन जब आपको किसने, मैं बता रहा हूँ ये कैसे हुआ। ये हुआ एकाएक, एकाएक हर जगह ये सोशल मीडिया, कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। ये इसका DVR पुलिस के पास था, इसका DVR पुलिस के पास था।
आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र 29 अभी 15 तारीख को पूरा हुआ। तो आप भी इतने ना समझ है नहीं है कि आपको पता नहीं चल अगर हमें वायरल करना होता मैडम एक बात कहना चाहते अगर हमें वायरल करना होता तो दो महीना में इंतजार क्यों करता या हम लोग दो महीना क्यों इंतजार करते? मैं बता रहा हूँ हमें भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप से मालूम हुआ और हम लोगों ने भी वहीं से उठाया इस वीडियो को। व्हाट्सएप पे बिल्कुल सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप आपको किसने भेजा? मेरे पास भी कलीग का आया, अलग अलग ग्रुप का आया। इसमें एक मेरे पास जब आया तो और मैं सुबह उठ के देखा तब तक सोशल मीडिया पे ये पूरा ट्रेंड हो रहा था। मैं ट्विटर पे देखा कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ये बता रहा है कि हमने स्टूडेंट्स को नहीं दिया है। पुलिस फिर आखिर आपको कहां से मिला? मैं बताता हूं जब बीच बीच में सोशल मीडिया कहते हैं बीच बीच में लगातार हमें इस चीज की खबर मिल रही थी। किसने दिया? बीच बीच में लगातार इस बात की खबर मिल रही थी कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स वहां जाके डीवीआर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अफसर ने आपको भेज दिया? नहीं, दिल्ली पुलिस ने लीक किया होगा, वो भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस के अफसर ने आपको भेज दिया? देखो हम लाठी मार रहे हैं, ये वाला वीडियो आप ले लो। दो महीने के बाद वीडियो आया, अगर हमें लीक करना होता या हमारे पास एक्सेस होता तो दो महीना कोई दलील नहीं है, वो कोई दलील नहीं है साहब। ये वीडियो आपको कहां से मिला ये बताइए। दो महीने बाद हम लोग इंतजार करते हैं। जब ये वीडियो मिला आपने ट्वीट किया, आपने तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। बिल्कुल लाया जब हमारे पास पता नहीं था कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया है इसके लिए। जामिया के 17,000 स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के हिस्सा है ये, इस तरीके से हम लोग का प्लान किया। प्रोफेसर रिजवान साहब, ये क्या हो रहा है कॉलेज में, ये सब क्यों हो रहा है? इतना ग्रॉस मिसमैनेजमेंट जो परिस्थितियां बनी, चाहे वो उस रात की बात हो, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे जब तक बात विरोध पर थी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ये जो पुलिस भी वीडियो जारी कर रही है उसमें छात्र कॉलेज कैंपस के अंदर से छात्र है या युवा है या बाहरी है, ये आप लोग को बताने की जरूरत है। वो पत्थर फेंक रहे हैं, ये क्या हो रहा है जामिया में? रेखान, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से कल और पिछले मौके से हम लगातार एक बात कह रहे हैं। टीचर एसोसिएशन के लोग आधिकारिक तौर पर आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं एक टीचर एसोसिएशन का मेंबर होने के नाते कह सकता हूं कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई और हम तमाम सारे लोगों ने यूनानिमस तरीके से यानी एक मत होकर के इस बात का तकाजा किया, डिमांड किया कि 15 तारीख की रात में हुए पूरे घटनाक्रम के ऊपर एक जुडिशियल जाँच हो। सवाल यह है कि अगर पुलिस एसआईटी बनाती है, क्राइम ब्रांच देखती है, कोई और पुलिस से ही संलग्न कोई विभाग अगर इसको देखता है, बात वहां तक नहीं पहुंचती है, विश्वास उतना नहीं जगता है जितना कि किसी जुडिशियल इंक्वायरी। और कल भी मैंने एक बात कही किसी संदर्भ में कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के जरिया या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के जरिया इंक्वायरी कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, पुलिस कर्मियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से? एक और बात अंजना जी मैं बता दूं कि कल भी ये बात मैंने बताने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि वो जो दंगाई जो बसों को आग लगा करके और ये सब आ रहे थे, तो मैंने ये कहा कि जो घटनाक्रम है जहां आग लगाने की बात है वहां पुलिस कोई काम नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं देखने को मिलता है। उसका एक्शन देखते हैं कि वो तमाम सारे बलबाई जामिया कह रहे हैं कि वो जो बाहर में जो उत्पात मचा रहे थे वो कॉलेज कैंपस के अंदर। अंजना जी 1.5 किलोमीटर का फासला है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एरिया में बस में आग लगाई गई है और वहां से जामिया 1.5 किलोमीटर का फासला है। आप ये बताइए कि कौन लोग हैं जो पत्थर उठाए हुए हैं? लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन चूंकि आप वन साइडेड बात नहीं होनी चाहिए ना सर। ये पत्थर वाले लोग कौन हैं? इंक्वायरी कराइए। और ये पत्थर वाले कौन है, ये छात्र हैं या बाहर के लोग आए थे? वो भी स्थापित करिए। आप बता रहे हैं कि आप श्योर है कि बाहर लोग नहीं घुसे थे कॉलेज में? मैंने क्या कहा? आपने कहा ना 1.5 किलोमीटर दूर है तो वो नहीं आ सकते। इस दौरान पुलिस का कोई एक्शन क्यों नहीं होता? आप ही बताइए ना मुझे, ये लोग कौन है? आप यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन। मैं उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आप बताइए आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं कि बाहर के लोग नहीं आए? क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते। मेरा सिर्फ एक डिमांड है, जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी। सुराज त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, आप इसे जुडिशियल इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? क्यों पुलिस के वर्षन पर आंख मूंद कर विश्वास करना? पुलिस पर ही ज्यादतियों का आरोप है और आप वही पुलिस को वहां भेज रहे हैं, तो उनकी जांच से क्या सच सामने आएगा? जहां तक बात की आप ये विषय कह रहे हैं, तो इस घटना के अगले दिन वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्या बोला था, उनका वक्तव्य है ऑन रिकॉर्ड, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेक किया जा सकता है कि 4,000 छात्र थे जामिया में, 6-7 गेट हैं। उन्होंने संख्या बोली 30-35,000 बाहरी लोग अंदर या बाहर आसपास के क्षेत्र में एकत्र थे, तो हम क्या बता सकते हैं कैसे रहे और लोग आते चले जा रहे थे। अब जांच होगी तो यह भी तय होगा कि कितने हजार लोग अंदर थे, गेट क्यों नहीं बंद किए गए,
सारे गेटों से गेट नहीं बंद किए गए, और इन वीडियोस में भी दिख रहा है मान्यवर कि एक छात्र बैठा हुआ है और अचानक वो किताब बंद है लाइब्रेरी की, पहले वो मुंह पे नकाब लगाता फिर किताब खोलता है। भाई हमने तो आज तक नहीं देखा, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े भी और पढ़ाया भी, कि कोई मुंह पे नकाब लगाने के बाद किताब खोलेगा, ये बात समझ से परे है। इसलिए दूसरी बात जो फुटेज में दिखाई पड़ा कि अंदर से छात्रों का हुजूम जा रहा है पथराव करता हुआ, अगर ईमानदारी की बात करें तो एक बॉटम लाइन तो तय हो गई अंजना जी, पहली बात ये कोई छात्रों का, मासूम छात्रों का अहिंसावादी गांधीवादी आंदोलन नहीं था, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है फुटेज में। तो पहले तो यह दावा समाप्त कर लेना चाहिए, जो बाद में उस पर मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास किया गया है तो शांतिपूर्ण एक आंदोलन था जो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से राजनीति में लोग करते हैं, अब वो साफ दिखाई पड़ रहा है, हिंसा पत्थर मारपीट सब है और अनापेक्षित रूप से संख्या यहां ज्यादा है। जांच होने दीजिए, किस बात का डर है, आप भी अपने पक्ष सामने रखिएगा कि मुंह पे नकाब। तो ये चौथे नंबर का वीडियो देखिए एक बार, सुधांशु जी ये चौथे नंबर का वीडियो देखिए, एक सेकंड सर एक सेकंड, ये चौथे नंबर का वीडियो देखिए। अगर कुछ भी छिपाने के लिए नहीं था तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे को क्यों तोड़ रही है, ये समझा दीजिए। ये किसी के समझ से, सबके समझ से परे है कि आप घटना के स्थल पर, जिस पुलिस का काम होता है कि सबूत इकट्ठा किए जाए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, वो सीसीटीवी क्यों तोड़ रही है, मुंह पे ढाढ़े क्यों बांधे हुए हैं। देखिए मैं एक बात, पहली बात तो इस सारे विषय तकनीकी दृष्टि से जांच के विषय हैं, परंतु अंजना जी एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक जो उन्होंने बार चलाया है उसके ऊपर, उसके आधार पे आपको लग रहा है कि वो सीसीटीवी तोड़ने के लिए किया जा रहा है या वहां पे कोई ऊंचाई पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए किया जा रहा है, और तो वैसे यहाँ विक्रम सिंह जी बैठे ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो जिस प्रकार के रॉड साथ में होते हैं वो कोई स्टील के रॉड नहीं होते, सारे लाइब्रेरी के बाहर कैमरा तोड़े गए, सीसीटीवी का जो सीसीटीवी का जो ग्लास होता है, इसका सवाल आप बताएं कि आखिर पुलिस किस मकसद के तहत कैमरा तोड़ रही है और आप लोग किस मकसद से पत्थर उठा रहे हैं। मैडम कोई पत्थर नहीं, अगर पत्थर फेंका गया होता तो पुलिस वालों को चोट लगती, पत्थर फेंका गया होता एक पुलिस वाले का एमएलसी दिखाइए, मैं उसका जवाब दूंगा, आप वीडियो दिखाइए, एक गेट आप वीडियो दिखाइए, मैं जवाब दूंगा। अरे भाई कहां पे आप देखिए, कहां पे ये पत्थर, फोटो तोड़ा जा रहा है, चौथा नंबर का फोटो दिखाइए, बताता हूँ ये कहां का वीडियो है, लाइब्रेरी का वीडियो अलग है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि पुलिस दो किलोमीटर से मार्च करते हुए आई थी तो लाइब्रेरी में घुसकर पहले लड़के लड़कियों को कैसे सरका, ये गेट नंबर 4 का वीडियो है, लाइब्रेरी से 300 मीटर दूर का वीडियो है, ये कैंपस के आउटर हॉस्टल को कनेक्ट करता है, इससे कैंपस की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और सवाल ये है कि जो कैमरा पुलिस क्यों तोड़ रही है, मिन्हाज का आंख फूटा, विशाल का सर फूटा, इस तरीके से सैकड़ों लड़के और लड़कियां जिनका एमएलसी पड़ा हुआ है, जो बुरी तरीके से गंभीर हुए, जब हजारों की संख्या में लोग अंदर आ रहे थे, सवाल और जो अंदर आए लोग उनका छात्रों के साथ मित्र व्यवहार था, छात्रों के साथ खौफ का माहौल हुआ है कि किसी भी जिन लोगों को लाइब्रेरी के अंदर किया जा रहा है स्पॉन्सर कराया जा सकता है, इस देश के गृह मंत्री को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके देश के यूनिवर्सिटी में ट्रस्ट रिस्टोर करवाए, क्योंकि जिस दिन जामिया में अटैक हुआ देश के एक एक यूनिवर्सिटी सड़क पे उतरा था, क्योंकि देश का पूरा यूनिवर्सिटी डर और खौफ में जी रहा है। सर आप पावर में, एक सेकंड, इतना भी आप लोग पाक साफ और महान मत बनिए, अगर स्टूडेंट्स ने कैंपस के अंदर या बाहरी लोगों ने पत्थर उठाया है तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। कौन करेगा, जो महानता के भाषण आप दे रहे हैं, दो महीने के बाद इसको रोक के रखिए। मैडम दो महीने तक डीवीआर पुलिस के पास पड़ा हुआ था, दो महीने तक पुलिस कहां थी, दो महीने तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। हम खुद चाहते हैं कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी में 10,000 लड़के लड़की पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, अगर 4-5-10 के भी, उन्हीं का बीजेपी का नैरेटिव मानते हैं, अगर 4-5 की भी तादाद में अगर एंटी सोशल एलिमेंट आ गए तो उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया, पुलिस की जिम्मेदारी थी। क्या हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कौन आइडेंटिफाई करेगा, जामिया यूनिवर्सिटी केंद्र प्रशासन के अंदर में आता है, एचआरडी के अंदर में आता है। जैसे कोई स्टूडेंट दिखता है तब तो आप चुप हो जाते हैं, वो लड़का दिखाइए जिसके बाल लंबे हैं, क्या वो स्टूडेंट है जामिया? बिल्कुल स्टूडेंट है, उसके हाथ में पर्स है, उसके हाथ में पर्स है। फिर बाहर जब वो बालकनी में जा रहा है उस वक्त भी दो तीन लोग हैं उनके हाथ। एक सवाल है कि लाइब्रेरी में किसको पत्थर मारेगा, सुनने की आदत नहीं है क्या? आप सवाल सुनिए पूरा, सुन रहा हूं, आप एक स्टूडेंट आप बता रहे हैं जिसके लंबे बाल हैं, बाहर में आप कह रहे हैं कि वो पत्थर नहीं पर्स था उसके हाथ में, फिर वही लड़का अगले वीडियो में, इस वीडियो में बाहर टेरेस पर दिखता है और एक और लड़का दिखता है जिसके हाथ में पत्थर है, दिखाइए दिखाइए, ये वाला वीडियो है, फुल स्क्रीन दिखाइए वीडियो जिसमें पत्थर है, वो स्टूडेंट है या नहीं है? ये स्टूडेंट बिल्कुल है, अब दिखाइए ये हाथ में पर्स है, यहां पर्स भी खुलेगा,
इसके अगले एपिसोड में पर्स है इसके हाथ में जिसको ऐसे पकड़ा हुआ है उसने, वापस बाहर जाता है, फिर वहां पर दो तीन लड़के दिख रहे हैं, वो सारे लाइब्रेरी का चेयर होता है, प्लास्टिक का चेयर होता है, सारे लड़के अपना पर्स उठाकर टेबल वगैरह पर रखते हैं ताकि चार घंटा पांच घंटा कंटिन्यू पढ़ाई कर सके। मैं खुद लाइब्रेरी में पिछले पांच छह सालों से लगातार पढ़ता हूं। जो लोग बालकनी में टेरेस से नीचे झांकते हुए दिख रहे हैं जिसके हाथ में पत्थर है, वो क्या कौन है, क्या वो छात्र है? एक सवाल ये है मैम, अगर पुलिस को लगता था, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, आप छात्र हैं इसीलिए बुलाए ना आपको कि आप भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो कॉलेज की तरफ से, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला वीडियो इसको फुल स्क्रीन दिखाइए, हाँ फुल स्क्रीन दिखाएं, ये वाला वीडियो, ये वीडियो देखिए, यहाँ पे जब उनके हाथ में पत्थर दिख रहा है, झांक रहे हैं, देख रहे हैं, स्टूडेंट के हाथ में, एक स्टूडेंट के हाथ में कुछ है, देखिए इसके हाथ में पत्थर नहीं, एक स्टूडेंट के हाथ में है, है ना, एक मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट है या नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट के हाथ में, लाइब्रेरी में एक क्लोज्ड डोर होता है, क्लोज्ड बिल्डिंग होता है, पुलिस को करना क्या चाहिए था कि गेट को बंद करके एक एक एंट्री को एग्जिट कराते बच्चे को और उनका आई कार्ड चेक करते, उनमें से जिसके पास आई कार्ड नहीं होता उसको डिटेन करते, लेकिन सबको एक कलर में पेंट करके लगातार लाठियां बरसाना, उस वीडियो को भी दिखाइए। पत्थर उठाया नहीं, हम वो वीडियो नहीं दिखा रहे क्या? सीसीटीवी का सवाल मैंने ही पूछा आपको, तो समझ में नहीं आया कि सवाल पूछना चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर सवाल आप पर भी उठेंगे। पत्थर कहां से उठा है? एक भी अगर पत्थर उठा है, कोई गांधीवादी सोच का विस्तार नहीं है हाथ में पत्थर उठाना? नहीं बिल्कुल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत करना जहां पर छात्र अगर पत्थर उठाने लगे हाथ में पत्थर उठाना गुनाह नहीं है, गुनाह उसको चलाना है। अगर कोई हाथ में पत्थर लिया है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सड़क पे चाहे कहीं भी, इसका मतलब ये नहीं आप उसको जस्टिफाई कीजिए जिसमें चोट पहुंची है, 100 लोग घायल हुए, गेट का शॉट है, बड़ा वाला शॉट दिखाइए जिसमें 6-7 लड़के अंदर से पत्थर मार रहे हैं, ये कौन है? बता रहा हूँ, इसमें इन्होंने मान लिया इस वीडियो में कि एक छात्र के हाथ में पत्थर है। चलिए अगला वीडियो दिखाइए जिसमें एक सेकंड प्लीज, दो लोग एक साथ बोले तो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, एक बार गेट वाले शॉट पे आइए जिसमें 6-7 लोग अंदर से पत्थर फेंक रहे हैं बाहर की तरफ से, वो कौन है? ये लाइब्रेरी से 300 मीटर दूर का एरिया है जो यूनिवर्सिटी के बाहर गेट को कनेक्ट करती है, यही तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उसको दिखा के आप लाइब्रेरी के अंदर के हुए ब्रूटालिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में वो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए दिन रात अग्रसर रहते हैं, उनको ना प्रोटेस्ट से लेना होता है, इवन कि वो हम लोगों को कहते हैं कि यार इनका काम है प्रोटेस्ट करना, बचाव के लिए पत्थर उठाया ये कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, वो अपने इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 10,000 का क्राउड दे रहा है तो आप 5 लोगों को खुद कह रहे हैं। देखिए सच सामने आ ही जाता है, अगर आप एक साइड को डिमोनाइज करेंगे, राक्षसीकरण उसका करेंगे कि पुलिस का है, पुलिस और सेना हो, कहीं भी हो, देश के किसी हिस्से में हो, कश्मीर से लेकर किसी यूनिवर्सिटी के बाहर में पत्थर उन पर फेंके जाइए, गांधीवादी सोच का विस्तार है, ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के नाम पर कोई पत्थर कैसे उठा के फेंक सकता है? सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा अंजना जी कि इसके ऊपर सही मानों में जिस तरह से या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन या एसआईटी इन्वेस्टिगेशन या जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन जो सही मानों में होना चाहिए, तो आपको इसके लिए पिटीशन दायर करना पड़ेगा ना सर, अभी, अभी क्योंकि सरकार तो सरकार और पुलिस की तो का तो रवैया हम देख रहे हैं कि जो पुलिस सीसीटीवी तोड़ रही थी वो क्या जांच करेगी? बहुत 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 सारी जिम्मेदारियां यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की होती है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफिशियल सिस्टम में नहीं हूँ, एक इंडिविजुअल टीचर के नाते मैं पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट इस तरह का अगर पत्थर हथियार या इस तरह का कोई भी ऐसा अटैक करता है उसके ऊपर चार्जेस लगे जाने चाहिए, लेकिन उसके बदले में जिस तरीके से पुलिस की ब्रुटैलिटी, एक लड़के की आंख जाती है, पैर टूटता है, मेरी एक लड़की पीएचडी स्कॉलर, पुलिस वालों को भी चोट आई थी सर, सुन लीजिएगा मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगा, उसके सर पे लाठी पड़ी, उसका हाथ फटा हुआ मैंने देखा, अगर मुझे उसकी इजाजत होती तो मैं उसको भी स्टूडियो अपने साथ ले आता और कहता कि तुम जरूर लाते, उसने और सारे चैनल को उस जमाने में इंटरनेशनल चैनल ने उसका इंटरव्यू करके बताया है। अब तो जिस तरीके से आपने पुलिस की ब्रुटैलिटी है, गुनाह करे कोई ठिकरा किसी और कर सर के पुटे, जिन्होंने बस में आग लगाई, जीप में आग लगाई, आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं कर सके, तो यहाँ पर सबसे आसान आपको टारगेट मिलता है स्टूडेंट्स और वो आप कर सकते हैं, तो असली जो गुनाह है वो तो आग लगाने का है। सुधांशु जी से तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत मरतबा हम सलाह कर, सुधांशु जी आप अपनी तरफ से कह दीजिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे, आप सरकार से जुड़े हुए आदमी हैं, आप कह दीजिए कि जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, हम पूर्ण आपका समर्थन करेंगे, पूर्णतः समर्थन करेंगे सुधांशु जी आपका।
मैं अभी आपकी बात का रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपने एक बात कही कि पुलिस ने वहां से बाहर से आके अंदर नहीं किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह ऑफिशियल बयान है वाइस चांसलर का कि 30-35 हजार बाहरी थे तो चंद मिनट में तो आ नहीं गए, सुबेरे से अगर वो अंदर आ रहे थे तो किसी छात्र ने कंप्लेन किया, ये जांच का विषय होना चाहिए। किसी टीचर ने कंप्लेन किया कि इतने हजारों बाहरी लोग आ रहे हैं, तीसरा जांच का विषय यह भी होगा कि उन लोगों का व्यवहार छात्रों शिक्षकों के साथ बाहरी तत्वों का दोस्ताना था या कातिलाना था। और चौथी बात, ये कोई आप लोग बेपढ़े लिखे लोग तो है नहीं, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, एक विश्वविद्यालय का पीएचडी का छात्र है। मैं चुनौती से आपसे टीवी चैनल में पूछता हूं, सीएए की एक लाइन बताइए उस एक्ट की जो भारत के किसी नागरिक की नागरिकता ले सकती हो। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कोई शाहीन बाग की तरह वो लोग नहीं है जो कम पढ़े लिखे हैं बगैर जानकारी के बैठे। आप प्रोफेसर हो, पीएचडी स्कॉलर है, एक चीज बता दिए जिस आधार पे आप कह रहे हैं आंदोलन शुरू हुआ था, एक लाइन बताइएगा जो भारत के नागरिकता से संबंध भी रखती हो, जवाब दीजिए एक लाइन में। ये कोई तो क्विज का तो सेशन है नहीं सुधांशु जी, आप कानून क्या एक लाइन में लेकर के आए थे, एक तथ्य पे लेकर के आए थे। अरे लेकिन तो कोई बताइए ना पूरे एक्ट में। सुधांशु जी आप मुझे इजाजत देंगे कहने की, कई सारे प्रदेशों के हाईकोर्ट ने और कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार बनता है, लेकिन शाहीन बाग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम करने का किसी को अधिकार नहीं बनता। इस बात को मैं पीछे काफी दिनों से कह रहा हूं। नहीं सर, मैं प्रोटेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीएए एक्ट की लाइन पूछ रहा हूं जिसके आधार पर। या तो अंजना जी एज एन एंकर ये पढ़े लिखे व्यक्ति उसका जवाब दीजिए, ये अंजना जी तय करेंगी एज एन एंकर कि इस पे सीए पे बहस होगी, तो मैं 3 घंटे आपसे बहस कर सकता हूं। या तो आप जामिया के संदर्भ करके बहस कर रहे हैं या सीए पे, आप तय कर लीजिए, मैं 3 घंटे आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। और आपको बता देता हूं, सीएए से आपके संदर्भ से अंजना जी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार से मेरी विनती है, कानून अदालतों से मेरी विनती है, एक छोटा सा सीए मत विड्रॉ करिए, एक छोटा सा संशोधन लाके सिर्फ ये कह दीजिए कि जो प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं पूरे साउथ एशिया के देशों में उनको भारत संरक्षण देगा, बात खत्म हो जाती है। बात जब अमुक अमुक धर्मों को जब आप आइडेंटिफाई करके मुसलमानों को छोड़ देते हैं, मैंने तो सिर्फ ये कहा भारत के नागरिकों से नागरिकता कैसे जाती है, आप एक छोटा सा अमेंड में ले आइए एक्ट में, और मतलब आप पाकिस्तान के मुसलमानों को चाहते हैं कि संरक्षण दिया जाए, का नाम मत लीजिए, स्वीकार कर लिया, भाड़ में जाए पाकिस्तान के मुसलमानों को संरक्षण चाहते हैं, पाकिस्तान भाड़ में जाए मुझे उसकी परवाह नहीं है, बट आप केवल एक काम करवा दीजिए, फिर क्या बोल रहे हैं, छोटा सा पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के लिए नहीं है ना, आप भाड़ में जाए क्या कर रहे हैं, आप तो उसकी कभी बाहरी कहा जाता है, सहूलियत के हिसाब से बाहर सड़क दिख रही है, अंदर का कैंपस है, यहां से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस वालों ने भी कहा था, हमारी इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है, 6 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, छात्र भी घायल हुए हैं, उनकी भी खबर हमने दिखाई है, कैसे एक लड़के की आंख में गंभीर चोट आई, उसकी आंख चली गई, वैसे ही एक बच्ची को, कई लोगों को चोट लगी थी, दोनों ही तरफ चोट लगी थी, तस्वीर सबके सामने है, वीडियो भी सामने है। सिंह साहब, पुलिस की भूमिका पर सवाल, उन सवालों के सामने जांच भी वही करें, एसआईटी उन्हीं की हो, ये कितना वाजिब है? अंजना जी, ऐसा कोई आंदोलन ढूंढना मुश्किल है जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप न लगे हों, लेकिन यह कह देना कि पूरा पुलिस बल मुलव्विस है अत्याचार करने में, इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। 7 गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मोलोटो पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, जो बिजली के रॉड और बल्ब होते हैं वो फेंके गए। मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस ने बहुत ज्यादा सहनशीलता का परिचय देते हुए बल प्रयोग किया है। लाठीचार्ज 3 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और इंटेंस। ये माइल्ड लाठी चार्ज हुआ था, और अगर सुधांशु जी बता देंगे कि अन्य प्रांतों में लाठी चार्ज जब होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीसीटीवी अगर तोड़ा गया, ये मॉडरेट अगर लाठी चार्ज था तो माइल्ड में क्या जान लेते सुन लीजिए अपनी बात, आपको इतना धीरे नहीं है, विशाल का सर फूट गया, घंटे तक मैंने आपका इनकी बात सुनी, और यही तरीका है कि ये भ्रम फैलाने का तरीका है, और आप किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे, आप अपनी बात छत चढ़ करके जाके बोलते हैं और ये सोचते हैं एक ही झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है।
आप अपनी खुशकिस्मती समझिए कि पुलिस ने वो नहीं किया जो कि उसको अख्तियार कानून देती है। पुलिस ने अपने आप को अपनी औलाद की तरह से उस तरीके से बल प्रयोग किया जैसे अपनी औलाद के ऊपर एक पेनफुल ड्यूटी को करते हैं। सीसीटीवी अगर तोड़ा गया है गलत है, नहीं होना चाहिए था। अगर लाइब्रेरी में थे और बच्चा आपने तो हुस्न आप अपने जो तर्क दिया है कि अपनी हिफाजत के लिए पत्थर, और किसी भी राइटर सिचुएशन में पुलिस देखती है किसने आक्रमण के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए, जेबों में पत्थर हो हाथ में पत्थर हो, यह तय जानिए पुलिस वाला आपकी आरती नहीं उतारने वाला है। एक पूरा और इसकी हर चीज की जांच होगी। अंजना जी बात रख ली है तो एक बात कहना चाहूंगा कि फॉरेंसिक साइंस चलाने की कोशिश की जा रही थी कि इसकी सत्यता के ऊपर, अरे यहां तो दिख रहा है लाठी चली, हर चीज मैंने सुनी आधे घंटे तक, ये 10,000 लड़के लड़कियां गेट नंबर 7 में बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपके सीसीटीवी फुटेज में 5-10 लड़के, अरे पहले सुनिए उसके बाद बात कीजिएगा, अंजना जी चलाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए जब आप इनको सिटी से 2 किलोमीटर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं तो ये वहां क्या कंट्रोल करेंगे? लाइब्रेरी पे आप अंजना जी इनको स्टूडियो में कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। आप भी देखिए, अरे सुनिए पहले श्रीमान जी, सिचुएशन में आपके आरोप प्रत्यारोप के हाथ में भी अगर आक्रमण का कोई भी हथियार जिसमें पत्थर भी शामिल है पुलिस देखेगी तो वो कार्रवाई करेगी ही। बेसिक बात आपको नहीं पता, मुझे आंसू गैस का गोला लगा था, मेरे आंख में आंसू गैस का गोला लगा था, मैं वही कैंपस में था। अंजना जी आप स्टूडियो में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जब पुलिस का अटैक स्टूडियो में कंट्रोल नहीं कर पा रहे शुरू हो गए, इन्होंने अपने अनुशासन का परिचय दे दिया। ये कितने अनुशासित हैं, डिसिप्लिन हैं, इसका इन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया, अब आप इसको देख लीजिए, ये सुनने को तैयार नहीं है। कहीं पर कोई भी सार्थक बहस नहीं होती, अगर उपद्रव करना तो आप भी चीखे बोल चिल्लाएंगे। आप प्रोफेसर साहब भी रुक के बोल रहे हैं अपनी बारी में। जब्त का मादा और डिसिप्लिन, ठीक है सिंह साहब आपकी बात पे मैं इनसे जवाब लेती हूँ। अंजना जी मैं केवल एक मिनट की बात, बोलिए 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 सिंह साहब, एक मिनट बस मुझे और दे दीजिए। हाँ, बोलिए अंजना जी, ये इत्तेफाक से जो वीडियोस आ रहे हैं ये किस्तों में क्यों आ रहे हैं? अगर आपके पास वीडियोस थे आपको चाहिए था कि तफ्तीश कुनंदा को पेश कर देते, आपने नहीं किया। दूसरी चीज, ये किस्तों में ला करके अपने मनमाने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, यहां ये था वहां वो था ये था, जबकि नक्शा नजरी जब बनता है तो उसमें दिखाया जाता है कि हंगामाई गिरफ्तारी में कहां कैसे चोट पहुंचाई गई और उसके बाद केस डायरीज में, और पुलिस वाला तो एक गलती करता है कहर बन के सब लोग टूट पड़ते हैं। और आप ऐसे पढ़े लिखे जहीन लोग, पुलिस वाला तो वैसे ही चौराहे पे बिल्कुल लावारिस की तरह खड़ा रहता है, उसकी खैर कौन बना है अंजना जी के अलावा? और मैं ये कहना चाहूंगा इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और एक एक जो वीडियो आया है इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए और ये पजल नहीं कि बनवाने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन। जामिया का मैप भी हमने बनवाया है, एक बार वो मैप भी जरा दिखाना चाहिए हमें ताकि लोग समझे कि कहां पर लाइब्रेरी है, कहां एंट्रेंस है, पुलिस कहां पर मौजूद थी, ये सब वो हम दिखा पाए जल्दी से। मेरा बात रखना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं लॉ ऑफ लैंड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्ट में। एक जगह अगर कहीं वायलेंस हुआ जामिया से 2 किलोमीटर दूर और उसको खोज करते करते 2 किलोमीटर अंदर यूनिवर्सिटी में चले आए, ठीक है एक बार जरा ये दिखा रहे हैं, आप ही का कॉलेज है, जरा कैंपस दिखा रहे हैं, देखिए जो गेट है और इधर आप देख रहे हैं डेंटल कॉलेज है, हॉस्टल है, राइट, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद बहुत बड़ा कैंपस है ये गेट नंबर 7। बिल्कुल बिल्कुल गेट नंबर 7 है। यहाँ रोड पे 10,000 के करीब स्टूडेंट लड़के लड़कियां यहीं पे बैठ के पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुरानी लाइब्रेरी, नई लाइब्रेरी, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर हुआ है और ये मस्जिद है, मस्जिद का गेट भी आप देख रहे हैं जो वहां पर जाता है, ये 7 गाड़ियों में पीसफुली आग लगाई गई। अब यहाँ पर ऐसी गाड़ियां नहीं दिखती है, गाड़ियां बंपर टू बंपर रहती है, जिस तरह की वहां पर परिस्थितियां ट्रैफिक की हो गई है। लेकिन ये देखिए ये पूरा नक्शा जिससे आप समझ सकते हैं, ये एक हिस्से में जो पूरा कैंपस है वो हम आपको गेट के एक साइड का दिखा रहे हैं जामिया का, जिससे आप समझ जाएं कि कहां कहां पर काफी दूरी अच्छा है, ये अलग आपने नक्शा नजरी पेश कर दिया जी। तो हम लोग पूरा दिखा रहे हैं आपको, हॉस्टल, डेंटल कॉलेज, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस कहां पर है, ये गेट देखिए गेट नंबर 7 आप देख रहे हैं, उसकी फिर इस तरफ है पुरानी लाइब्रेरी भी, नई लाइब्रेरी दोनों आसपास है, और उसके बाद ये मस्जिद का गेट है। ये सब अब पुलिस को तफ्तीश करनी है कि कैसी परिस्थितियां बनी, कहां से कौन भगदड़ में भागता हुआ। लेकिन आप जो आपने खुद ही माना कि पत्थर उठाया था सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में राइटिंग सिचुएशन में कोई पत्थर उठा रहा था तो पुलिस वाले परिपेक्ष में, बात मैं कहता हूं मैम, बार बार एक बात को कहता हूं, आपने चूंकि मैप दिखा दिया इंडियन बैंक का, उसको तो निष्क्रिय किया ही जाएगा, इंडियन बैंक से ओल्ड लाइब्रेरी की और नई लाइब्रेरी के डिस्टेंस कितना दूर है। सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर वहां पे पत्थर चला, जो कि पुलिस क्लेम कर रही है उन्हीं का वर्जन हम मानते हैं, तो 2 महीना तक पुलिस ने इंक्वायरी क्यों नहीं किया? उनको जो पत्थर चलाने वाले जो 2-4-5 दिख रहे हैं
उनको भी जो लाइब्रेरी से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो लाइब्रेरी के अंदर आने के लिए कोई गेट सारा गेट क्लोज था वो बाहर का गेट पे है, उन पे भी कार्रवाई करती। और साथ साथ पुलिस का अगर नियत साफ होता तो इस वीडियो को फुटेज को जो डीवीआर उनके पास था, दो महीना तक क्यों वेट की, दो महीना तक अपने पुलिस वालों के सवाल क्यों नहीं किया कि लाइब्रेरी में घुसने की क्या जरूरत थी। हमारा सवाल इतना है कि लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को स्टूडेंट्स को लड़कों लड़कियों को क्यों सर तोड़ा, क्यों हाथ पैर तोड़ा, वहां कोई पत्थरबाज नहीं था, लाइब्रेरी तो एक क्लोज्ड बिल्डिंग था। अगर उनका नियत साफ होता, अगर स्पॉन्सर्ड अटैक नहीं होता, प्लांट अटैक नहीं होता, तो लाइब्रेरी के गेट पे खड़ा होकर एक एक स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाता, एक एक लड़के लड़कियों को बाहर निकाला जाता, उनका आई कार्ड चेक किया होता। क्या कहना है, एक सेकंड आप ये क्या कह रहे हैं कि पुलिस को अचानक ये लगा सूझा कि जामिया मिलिया स्टूडेंट पर, एक हमें आधा घंटा हो गया। बिल्कुल रहमानी साहब आ रही हूँ सर, बीच में आपका ऑडियो कट गया था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, अब मुझे पीसीआर से बताया गया आपका ऑडियो फिर से कनेक्ट हो गया है। रहमानी साहब आप अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे मेरान बात करूंगी। रहमानी साहब देखिए, कुल मिलाकर जो परिस्थिति एक टकराव की बनी है उस पर कई लोग हैं जो तालियां पीट रहे हैं और मजे ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम मोहरा नहीं बना सकते, जहां पर किसी भी छात्र के हाथ में, किसी भी युवक के हाथ में पत्थर आ जाए और फिर पुलिस लाठियां बरसाए और इस तरह की अराजक परिस्थिति बने। क्या गलत कह रही हूं मैं? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूं, मैं यही जामिया नगर में रहता हूं और उस दिन भी मैं बाहर सड़क पे निकला था, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और ऑडियो क्लिप्स आए, जामिया की जो मस्जिद आप दिखा रही हैं इस मस्जिद से आए फोन ऑडियो क्लिप्स, लाइब्रेरी से आए, कैंटीन से आए, उसमें बच्चियां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी हमें बचाओ, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी कुछ आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी फैकल्टीज़ का इसमें ड्यूबियस रोल है, उसमें लोकल रेजिडेंट्स का भी रोल है, उसमें स्टूडेंट्स का भी रोल है, आपको टोक रहे हो, पुलिस का भी रोल है। रहमानी साहब ये पूरी डिबेट जो अभी हम कर रहे हैं, रहमानी साहब को मेरे साथ दिखा रहा है, रहमानी साहब एक सेकंड जुडिशियल प्रॉप की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि इतने दिन बीतने के बाद थोड़ी ईमानदारी से आज बात हो रही है। गिरफ्तार नहीं किया, एक सेकंड रहमानी साहब को मेरे साथ दिखाई, रहमानी साहब आज मुझे लगता है बहुत ईमानदारी से बात हो रही है, क्योंकि ये भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड करते हैं, खुद मान रहे हैं कि कुछ छात्रों ने पत्थर उठाए थे, आप भी आज कह रहे हैं कि कुछ फैकल्टीज का ड्यूबियस रोल था, क्या अर्थ है इसका मुझे समझाइए, रेसिडेंट्स का भी आप कह रहे हैं, आसपास के लोग भी, और क्या ये सच नहीं है रहमानी साहब कि ऐसे हॉस्टल्स में कई लोग इल्लीगली रहते हैं और कॉलेज प्रशासन के पास उनके डिटेल्स नहीं है, वो सालों साल तक बैठे रहते हैं, तब ना प्रोफेसर रिजवान ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कोई कुछ नहीं करता है, क्या गलत कह रही हूं मैं, कई लोग वहां के हॉस्टल्स में इल्लीगली रहते हैं। पुलिस असल चीज, पुलिस 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 के पास सब कुछ है, पुलिस ने 75 फोटोग्राफ जारी किए हैं लोकल रेजिडेंट्स के, पुलिस ने 3 जो यहाँ के लीडर्स हैं उनके नाम FIR लिखी है, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, 2 जगहों से मॉब लीड हुआ है, एक जाकिर नगर की ढाल की तरफ से जो माता मंदिर की तरफ गया और एक जामिया के रोड से, और उन्होंने आगे जाके बसें जलाई, वहां पर पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है और उसके बाद वेनेडा की कार्रवाई करती है 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर दूर जामिया में आके। मुझे एक बात बता दीजिए अंजना जी, आप भी, सुधांशु जी भी है, सब लोग, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब स्टूडेंट रहे हैं, मुझे बताइए कि जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही होगी और वहां पर 13 तारीख से प्रोटेस्टर बैठे हैं, वो क्या करेंगे, उनका रोल क्या होगा, क्या वो भाग भाग के वहां नहीं जाएंगे और अपने डिफेंस में पत्थर नहीं फेंकेंगे, जैसे मस्जिद में लड़के घुसे, लड़कियां घुसी, जैसे लाइब्रेरी में घुसे और उसके बाद लाइब्रेरी को तोड़ के अंदर घुस के जो कुछ हुआ वो भी देखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम है कि जुडिशियल प्रॉब नहीं कराया जा रहा? मैं 4 बजे सुबह को आया वापस, 59 बच्चे 3 पुलिस स्टेशन पे अरेस्ट किए गए, सब जख्मी थे। मैं नहीं चाहता कोई भी जख्मी हो, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि पुलिस के लोगों में से कितने लोगों की चोटें आएंगे? अगर पथराव ही हो रहा था और इतना सीवियर पथराव था कि पुलिस को मॉडरेट लाठी चार्ज करना पड़ा, तो पुलिस के कितने लोगों को चोट लगी? सिर्फ 59 स्टूडेंट्स ही जख्मी क्यों हुए? उन्होंने जो कहा 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, हमें दोनों ही पक्ष दिखाना जरूरी। सुधांशु जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर साहब से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह की परिस्थितियां हैं सर, बहुत ही पोरस एंट्री पॉइंट्स हैं उस कैंपस में, आप जानते ही होंगे कई स्टूडेंट्स हैं जो इन हॉस्टल्स में इलीगली रहते हैं, जिनका वहां पर रिकॉर्ड नहीं है, क्यों बंद रहती है आप लोगों की आंखें?
इस पर कोई आवाज क्यों नहीं खोल पाता? किसका डर किसका भय है उस एरिया में? आई थिंक लेट अस नॉट डेविएट. नो, व्हाई नॉट? नो, व्हाई नॉट? नो, क्यों? आखिर ये कैसे तय होगा कि कौन बाहर का था, कौन छात्र था? नो, यू आर टॉकिंग, कौन छात्र था? कौन छात्र था? यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड छात्र कौन था? कैपेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर ओनली लीगल. हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में, हिंदी में. अच्छा, वो बिल्कुल अलग, एक अलग मसला. एक सेकंड, ठीक है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन है कौन छात्र है, कौन बाहर का वहां पर रह रहा है इलीगली, ये कैसे तय होगा? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तय करे जाकर के. प्रोवोस्ट होते हैं, प्रोक्टर होते हैं, वो सब. आप लोग क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? ऐसी इजाजत क्यों देते हैं? इन तमाम सारे ऑफिसर्स को इसीलिए बहाल किया जाता है कि इन चीजों पर निगाह क्यों नहीं करते? ये ज्यादा बड़ी किसका डर है? आप देखिए, होली फैमिली किसका डर है सर? देखिए, क्वेश्चंस एड्रेस होने चाहिए. ये तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी को बुला करके. ये वाजिब सवाल है या नहीं है, मुझे बताइए. जरूर सवाल वाजिब है, लेकिन आप किसी प्रोवोस्ट को बुलाइए, चीफ प्रोक्टर को बुलाइए. आई एम नॉट हियर. मैं यहाँ पर उनके यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता. ठीक है, आपकी मजबूरी में समझती हूँ. आप जिस हद तक रहते हैं, लेकिन ये सवाल है जो पूछे जाने चाहिए. होली फैमिली हॉस्पिटल में बहाल भर्ती किए गए, आईसीयू में भर्ती किए गए, पुलिस वालों ने वहां से उनको निकाला. ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी आपकी निगाह से रह जाती हैं. अगर उस रात, मैं आपको बताता हूं कि तकरीबन 38-39 बच्चों को कालकाजी पुलिस स्टेशन ले जाया गया. अगर जेएनयू, जादवपुर और मद्रास अगर न जगह होता, वो 38 बच्चे पता नहीं किस तरह के केसेस में डाल दिए जाते, किसी को पता नहीं चलता. ठीक है, जल्दी से एक बार सुधांशु जी जवाब दे दे सबका. ब्रेक का टाइम हो रहा है. सुधांशु जी जवाब दीजिए. सही है. नहीं, मैं खुद, मैं डिप्टी प्रॉक्टर साहब के साथ मैं खुद गया तमाम हॉस्टल्स में, लाइब्रेरी में, सबको निकाला. टेक्निकल जवाब देता हूं. और उसके बाद उनको कितने बच्चे. ठीक है, रहमानी साहब, वक्त की कमी है सर, मजबूरी आपको टोक रही है. सुधांशु जी जल्दी से, तीन अलग, जल्दी से सबकी बातों का जवाब. ये आप सरकार है. हाँ, मैं देखिए, मैं सिर्फ टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ. सच सामने पहली बात उन्होंने कहा कि विश्वास उठ जाएगा. अरे भाई रहमानी साहब, अब बोलने दीजिए. हाँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं. अभी जो बात कही गई, मैं तकनीकी जवाब देता हूं. पहला वाक्य कहा गया कि सेल्फ डिफेंस में पत्थर उठाया. मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आपने किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे हुए पत्थर देखे? किसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के अंदर भी पत्थर नहीं होते. पत्थर आए कहां से? अगर इस बात को कनेक्ट करना है तो उन वीडियो से करिए जिसमें झोले में रखे हुए पत्थर नहीं हुआ. बोल रहे हैं, आपको दिखा रही हूं, बोल रहा नहीं. पत्थर आए कहां से? अगर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है किसी बिल्डिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी में लड़के बैठे पना लेने के लिए. दूसरा पॉइंट, मस्जिद दूसरा पॉइंट, फिर से क्या डिस्टर्ब करने लगते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी का आता है, आप नॉन टेक्निकल बात कर रहे हैं. तो ये बवंडर जो वीडियो का छिड़ा हुआ है, उसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल. एक तरफ पुलिस की लाठी मार जो उस दिन की कार्रवाई थी, दूसरी तरफ सीसीटीवी तोड़ना, तो कई युवकों के हाथों में पत्थर भी कई गंभीर सवाल यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े कर रहे. इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल. ठीक रात 8 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ. शाहीन बाग से लाइव शो आप देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट की बात क्या सुनेगा शाहीन बाग? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए. देखते रहिए आज. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक. और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.